बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने मुंबई में प्रदूषण का मुद्दा उठाया तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्ट्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि हस्तियों का इस तरह से बयान देने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। गौरतलब है जूही चावला ने ट्वीट कर कहा था कि मुंबई के हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि सांस लेते वक्त सीवर जैसी बदबू आती है। जूही ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम दिन रात एक सीवर में रहते हैं। जूही चावला ने अपने ट्वीट में लिखा, क्या किसी ने यह नोटिस किया है कि मुंबई की हवा में बदबू आ रही है? पहले यह गंध खाड़ियों, वर्ली और बांद्रा, मीठी नदी के पास, गंदे पानी वाले इलाके के पास गाड़ी चलाते समय आती थी, लेकिन अब यह बदबू पूरे दक्षिण मुंबई में है। यहाँ एक अजीब केमिकल प्रदूषण है। इसके बाद जूही ने अगले ट्वीट में लिखा, ऐसा लगता है कि हम दिन रात एक सीवर में रह रहे हैं। प्रदूषण पर सवाल उठाया तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जूही चावला को नसीहत दे दी और ऐसे मसलों पर बयान देने से पहले सोचने के लिए कहा। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुंबई एक महान और अंतर्राष्ट्रीय शहर है, इसलिए मशहूर हस्तियों को इस तरह के बयान देने से पहले एक बार सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सच है कि शहर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नगर निगम में भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है, लेकिन अब सरकार बदल गई है, अब मुंबई बदलने जा रही है, इसीलिए मुंबई के बारे में इस तरह से बात करना गलत है। गौरतलब है जूही चावला अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार उन्होंने प्रदूषण को लेकर अपनी बेबाक राय रखी है, जिस पर कुछ लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इससे पहले जूही चावला ने 5G नेटवर्क के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। एक्ट्रेस का दावा था कि 5G की वजह से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे लोगों की सेहत को नुकसान होगा। हालांकि कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी थी।